गगन दिनों को थाम लो। मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ वो हर दिल में बसते हैं, वो हमारी शान है, वो हमारी आन है। और इस हमें जो इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क का ये यौम मनाने की इजाज़त मिली, हम जश्न मनाते हैं, इसका सारा क्रेडिट जिस हस्ती को जाता है उनका नाम है मोहतरम जावेद असलम भाई। तशरीफ लाते हैं, ऐसे नहीं बाबा देव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपकी सलामती करे। आज सिर्फ और सिर्फ आगाज़ है, मैं भी आप भी हम सब अल्लाह तबारक व ताला का उस मेहरबान करीम रब का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने 21वां मेला अपने शहदा की याद वतन अजीज का परचम बुलंद से बुलंद तार करने के लिए हमें तौफीकात अता फरमाई। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अकेला मैं नहीं, पूरी पाकिस्तान बरादरी का एक एक फर्द, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां और बच्चे, खवातीनों हजरात, आप सब हकीकत में इस बात की दादे तहसीन के हकदार हैं कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूं और आपको शाबाश और दादे तहसीन भी पेश करूं। अच्छा, आज ऐसा है कि जैसा कि 13 अगस्त है, अभी हमारे बच्चे स्टेज पर आएंगे, टैबलो करेंगे, मश्क करेंगे। आज असल में ये हम कहना चाहते हैं कि जो जो आज नहीं आया, इफ्तिताह हो गया, इफ्तिताही फीता कट गया, नौजवानों यूनान भर से तैयारियां कर लो और कल शाम 7 बजे कोजिया प्लातिया का, डिमार्कियो एथन का ये जो बहुत ज़्यादा वसीओ अरीज पंडाल है, ये आपका मुंतजिर है। और हर साल की तरह, जैसे मुश्ताक साहब, हर साल की तरह मैं यकीन कामल से कहता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ये पंडाल मिनी पाकिस्तान का मंजर पेश करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा है कि जिस तरह हर साल 14 अगस्त को ही बुनियादी मरकजी तकरीबात का इनकाद होता है, सुबह नोट फरमा लें, कल सुबह 10 बजे परचम कुशाई की तकरीब है। आप सब से जो घरों में बैठे हुए उनसे गुजारिश है कि सुबह 10 बजे आप सब आएंगे और हम सब मिलकर अपने वतन का, वतन अजीज पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। फर लेता ये बुनियादी 4-6 चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये है कि आज मश्क है, कि कल सामने तैयारियां कर लेनी है। मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ, ये 2-3 दिन से ना कपड़े तब्दील नहीं कर सका, इस पे मुझे फख्र है, मुझे नाज है कि मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए, आप सब के लिए कुर्सियों से लेकर हर चीज सजाता हूँ, लगाता हूँ। और ये मेरे फख्र का सबब है क्योंकि आप मेरे वतन के वो नशीले नौजवान हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम करने हैं और हम सब ने मिलकर अपने वतन का परचम सर बुलंद करना है, अपने शोहदा की याद करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहां कहीं हमारे वतन को आपकी, मेरी, हम सब की जरूरत हो, हम एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपने वतन के लिए, जिसके लिए क्यों हाजिर हैं, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब मैं मुदब्बर से कहूंगा कि स्टेज पर आए, बाकी प्रोग्राम मुदब्बर जो है वो संभालेंगे। मुदब्बर हुसैन से जोरदार एक नारा बस लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।